हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं कहाँ थी वो सारी मैं आपको आगे वीडियो बना बताऊँगी। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो ये हूँ मैं, जो मैं प्रीवियस शॉपिंग के वो क्लिप थे, और ये हूँ मैं मोती स्वीट से। हमारे आसपास सबसे अच्छी जो मिठाइयों की दुकान मानी जाती है वो है मोती स्वीट। तो और ये बहुत ओल्ड है, तो यहाँ से मैंने बर्फी वगैरह ली है और अब मैं आपको डायरेक्टली दिखा रही हूँ ट्रेन के। बिकॉज़ यू नो मुझे ना टाइम नहीं मिला था और मुझे सेम डे निकलना था, तो ऊपर से अकेले निकलना था। हया जी हमें छोड़ने गए थे स्टेशन तक, और उसके बाद मैं आयरा और एंजल को लेकर जा रही थी। तो ये है अब डायरेक्टली ट्रेन का वीडियो, जो सेकेंड टायर एसी है, और उसमें मुझे मिल गई थी अपर सीट, जो कि मुझे बहुत ही अनकंफर्ट लग रहा था। पर मैंने सोचा था कि मैं ना अंकल, नीचे वाले अंकल को बोलूँगी, बट वो इतने ओल्ड एज थे ना कि मैं उनको बोल ही नहीं पाई कि आप सीट एक्सचेंज कर लो, जबकि नॉर्मली ऐसा होता है कि चेंज कर लेते हैं सीट। और ये है टास्क जो मैंने आयरू को दिया था कि 500 आपको स्पेंड करने हैं ट्रेन में गाँव तक, और उसके ट्रेन में फॉरनर ख़त्म हो गए थे और गाँव में एंट्री से पहले मुझे अपने पैसे खर्च करने पड़े थे। वेल ये है अब डायरेक्टली गाँव का वीडियो, बिकॉज़ इस बीच में मैंने वीडियोस कम बनाए नहीं थे, और क्योंकि अकेले जाना था, सबको कैरी करना, सारे सामान को लेकर के जाना, तो थोड़ा सा टफ हो रहा था। मैंने फ़ोन को रख दिया था बैग में, और वहाँ चोरी वगैरह होने का भी डर था, तो इसलिए फिर मैं आपको इसलिए डायरेक्टली गाँव का दिखा रही हूँ। और ये है गाँव जहाँ लीची तोड़े जा रहे, तो मैं भी चली गई थी, अदरवाइज़ यू नो मैं बहुत बिजी थी गाँव में, क्योंकि एक तो मेरा खुद का काम वर्क फ्रॉम होम कर रही थी वहाँ पे, तो वो अलग था। दूसरा क्या कहते हैं, मुझे वहाँ पे ना अपने कार्ड वगैरह बनवाने थे, राशन कार्ड वगैरह, तो इसलिए मैं स्पेशली गई थी नाजरपुर, यानी अपने ससुराल, कि मैं कार्ड वगैरह बनवा लूँ। बहुत टाइम से अभी तक हमारा राशन कार्ड नहीं बना था, तो इसमें नाम जुड़वाने थे, फिर कहीं से कट करवाना था, ऐसे कुछ था जो कि लोगों को बोलती भी थी गांव के लोगों, तो वो करवा नहीं पा रहे थे। फिर फाइनली मैंने लीव लिया था, एक तरह से लीव ही था, और फिर मैं एक महीने वहाँ रही, वो एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा था। वेल ये मैं मेरी मौसा जी हैं वहीं बगल में, दूसरे गांव में, उसमें रहते हैं, तो मैं उनके यहाँ मिलने गई थी, तो ये थोड़ा सा फोटोग्राफ वगैरह लिए थे। और हम इस तरह से रहते थे वहाँ पे, आयरा ऐसे रहती थी, एंजल ऐसे रहती थी, और ये हम आने से एक दिन पहले गए ये, क्योंकि हैजी आ गए थे और बारिश बहुत हुई थी, तो एंजल को यू नो पानी में बहुत अच्छा लग रहा था टहलना, तो इसलिए वो टहल रही थी, और आयरा भी उसको कंपनी देने के लिए आ गई थी और बहुत खुश हो रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो ये बना ली थी। और ये हमारे घर के बाहर का जो बहुत बड़ा सा है एरिया, उस एरिया में ये टहल रही थी। मुझे डर भी रहा था कि कजिन चप्पल वगैरह नहीं पहनते, कहीं कुछ चुभ जाता, बट हैज बोले थे नहीं कुछ नहीं होता, सो टहलने दो। तो फिर उसके बाद आयरा भी मिल करके टहलने लग गई थी, और ये अंदर आ ही नहीं रही थी। फिर बहुत देर के बाद हैज ने बहुत घुमाया, फिर उसको लेकर के अंदर आ गए थे। अगर मैं यहाँ का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा बहुत ही बेकार था। अगर गांव में जो नहीं पले भरे हैं, जो शहर में रह चुके, वो गांव में नहीं रह पाएंगे, यू नो बिकॉज मैं 1 month कैसा गया, आई नो यू नो। एक तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी ना, उनका नाम नहीं होगा, प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जिस जो एक्सपायरी होंगे सम ऑफ टाइम, मतलब कई प्रोडक्ट ऐसे थे जो एक्सपायरी थे, फिर मैं उसको भेजते थे कि नहीं रिटर्न करवा के लेकर, वो एक्सपायरी है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत वीयर्ड सा था। और उसके बाद फिर ये है थोड़े से फोटोग्राफ्स, और ये एक्चुअली में मैं एक दिन पहले ना गई थी वहाँ अपनी दादी सास को देखने के लिए दरभंगा। तो वहाँ से जब मैं रिटर्न हो रही थी, तो एक हवेली नाम का रेस्टोरेंट है छोटा सा, तो उसके बारे में बहुत अच्छा सुना था सबके आसपास के लोगों से, तो इसलिए हम भी चले गए थे कि चलो देखते हैं कैसा है। बट हमें बहुत ही वाहियात लगा वहाँ का खाना। हमने बिरयानी मंगाई थी, बट इतना वो लग रहा था राइस है और चिकन के पीसेस डाले हुए थे उसने, और बहुत ही ख़राब टेस्ट था। फिर हमने मंगाया था तो उसको खाना ही था, फिर हमने खाया वाया, और उसके बाद हो गई थी बहुत रात, मतलब 6-7 बजे थे। और यू नो 7 से 8 बजने के बाद से ना गांव का एरिया ऐसा लगता है जैसे सूना, कोई भी नहीं दूर दूर तक, यू नो आप डर जाओगे अगर रात में 7-8 बजे तक जाओ तो। ऊपर से हर गली की कोई स्टोरी होती है, यहाँ पे भूत दिखता है तो वहाँ पे भूत दिखता है, यू नो ऐसे नहीं रह सकते। ऊपर से लाइट वहाँ जाती है तो क्या भयानक हो जाता है। एंजल ने तो एक दिन इतना परेशान कर दिया था कि मुझे लगाते थे इसे कुछ हो गया है। फिर पंखा वंखा झीला बहुत देर तक, फिर वो काम डाउन हो गई, फिर लाइट आई बहुत देर के बाद, तो फिर अच्छा था। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बट यू हैव टू गो देयर, सो बिकॉज वो मेरा ससुराल है। तो वेल उसके बाद मैं 1-2 हफ्ते के बाद मैं अपने मम्मी के घर चली गई थी, वहाँ 1 week रही, फिर नानी के यहाँ भी गई, फिर मैं वापस आई थी। तो थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक लिया था, वो ठीक था, और उसके बाद फिर हम बैक टू दिल्ली हो गए थे। तो ये था मेरे साल का मतलब ट्रैवल। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाकी वीडियो में आपको दिखाऊंगी मम्मी के घर का और नानी के घर का। तो बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।